हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथालोक में। मैं अनिल मिश्रा। तो मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि संस्थान के द्वारा टीजीटी पीजीटी 2022 का एक नए बैच का आगाज किया जा रहा है, और जिसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अनिल मिश्रा संस्थान के द्वारा संस्कृत विषय वस्तु की जिम्मेदारी मुझे प्रदान की गई है, और इस जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ी सुखद अनुभूति भी होती है, और जिम्मेदारी को देख करके थोड़ा सा डर भी लगता है। क्योंकि मित्रों, एक बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन संस्थान के द्वारा जो है नए बैच का टीजीटी और पीजीटी का बैच अलाउंस हुआ था, जब भाषा विषय की बारी आई तो हमारे संस्थान के डायरेक्टर आलोक सर द्वारा जब परिचय दिया गया, तो उस परिचय के रूप में जब संस्कृत भाषा की बात आई तो उनके वाणी से जो शब्द निकले उसको देख करके बड़ा मतलब ऐसी अनुभूति हुई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संस्थान ने मुझे दी है, मैं कितना खरा उतरूंगा। खैर कोई बात नहीं मित्रों, ये प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता एक चुनौती भरी होती है, और प्रतियोगिता में हर चुनौती स्वीकार करना चाहिए। चुनौती स्वीकार करने वाला ही व्यक्ति जो है परीक्षा में आगे जाता है। एक बड़ी छोटी सी सूक्ति है, कालिदास की सूक्ति है, इसलिए कि हम लोग संस्कृत के प्रतियोगी हैं और संस्कृत की तैयारी करने चल रहे हैं, तो एक थोड़ी सी मतलब जो है यहाँ पर एक सूक्ति परक बातें हैं, थोड़ा सा सुनने लायक है। इसके बाद हम लोग विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, अपने मूल बिंदु पर आएंगे कि मंदह कवियसह प्रार्थिनः गमिष्याम उपहासताम फांसु लब्धे फले लोभात बाहुर दिव भावना। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्यम की रचना करने जा रहे थे, और रचना करते समय एक छोटी सी बात उनके सामने आई, कह रहे कि मंदह कवियसः, कवियों के यश को प्राप्त करने वाली मेरी मंद बुद्धि। और दूसरी चीज जो हमारा विषय वस्तु है, जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं, वह महान वंश है, सूर्य वंश है। करें कि कहां तो सूर्य वंश और कहां कवियों के यश को प्राप्त करने वाली मेरी मंद बुद्धि, कहीं उपहास के पात्र न हो जाए। कैसे फ्रांस लभ्य फले लोभाद बाहुर दिवना, जैसे लंबे पुरुष के हाथ लगने वाले फल को प्राप्त करने के लिए एक बौना ऊपर हाथ उठाता है और उपहास के पात्र बनता है, लेकिन फिर भी मैं इस कार्य को कर रहा हूं, तो ठीक वैसे ही ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मित्रों। संस्थान ने यदि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है तो यह आलोक सर का एक बहुत बड़ा अनुभव, और आप लोगों को हो सकता है कि मेरा यह सूझबूझ विषय वस्तु की जानकारी आप लोगों के काम आएगी, और आप लोग निश्चित है कि इस विषय वस्तु के माध्यम से आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। रही बात मित्रों, एक चीज आप बड़ी खुशी की बात है कि आज शिक्षा जगत में बहुत ऐसे प्रतियोगी हैं जो योग्यता रखते हुए भी जो है शिक्षक पद लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है, हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आपको मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूं, और 2021 टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट साक्षी है, आप उठा के देख सकते हैं कि 2021 टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट में, हम संस्कृत विषय वस्तु की ही बात उठा के देख डालें, ऐसे ऐसे प्रतियोगी जो है शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं जिसकी उम्र 1964 है, 1965 है, 1967 है,
ऐसे बहुत सारे प्रतियोगी हैं, लगता है कि 56-57 साल की उम्र में कैसे हम शिक्षक बन सकते हैं। वो एक हमारे आदर्श हैं कि भाई हम लोग सोचते हैं 50 साल के बाद नौकरी नहीं मिल सकती। आज टारगेट भी था, लोग एक ऐसा साधन के रूप में उभर रहा है कि प्रतियोगिता के क्षेत्र में इसकी उपलब्धि चारों तरफ जिस तरह से फैल रही है और आलोक सर का निर्देशन, जिस तरह से हम लोग उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं, घर बैठ करके लोग कितने आसानी से सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज टीजीटी पीजीटी का ये जो क्लास चलाया जा रहा है, ऐसे लोग भी इससे जुड़ रहे हैं जो है कि जो गांव में हैं, कि चलिए हम गांव में रह करके जो है हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करके हम भी शिक्षक बन सकते हैं। तो आइए छोटी सी चर्चा परिचर्चा हम लोग पाठ्यक्रम पर करते हैं, टीजीटी पीजीटी विषय क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा करके जो है आज इसी पर हम। तो सबसे पहले देखिए एक चीज मित्रों आप लोगों के दिमाग में आता है, एकदम रटा है ये, टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, सुनते सुनते जो है लगता है टीजीटी पीजीटी टीजीटी क्या है। तो देखिए बहुत सामान्य सी बात है कि टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको हम लोग जो है बहुत आसानी से हिंदी भाषा में इसको कहते हैं प्रशिक्षित स्नातक। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रशिक्षित स्नातक। इसका मतलब है कि टीजीटी की एक योग्यता है, कोई भी प्रतियोगी, कोई भी प्रतियोगी कैसे वह टीजीटी की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो वह स्नातक हो भाई, बीए की परीक्षा पास किया हो, और बीए की परीक्षा पास करने का मतलब वह प्रशिक्षित हो, प्रशिक्षण लिया हो, कम से कम वो बीएड तो किया ही हो। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आप बीए की डिग्री लिए हो प्लस आपने बीएड किया हो, तो निश्चित ही है कि आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज यहीं पर देखिए पीजीटी की बात होती है, थोड़ा सा इसको भी जान लें, पीजीटी क्या है, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, आपके दिमाग में बड़ी उत्सुकता होती है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको हम लोग प्रवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रवक्ता कहते हैं। इसी प्रवक्ता को यदि हम लोग हिंदी में जाने तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्या होता है, व्याख्याता होता है, व्याख्याता होता है। आप देखिए बड़ी रुचिकर बात है, आप जो है टीजीटी की तैयारी करते हैं, आपको बीएड करना जरूरी है, आप पीजीटी की तैयारी करते हैं, केवल पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, केवल पीजी होना जरूरी है, दोनों की कार्यशैली में बड़ा अंतर होता है। यहां आपको टीजीटी का टीचर होने के लिए एक कौशल की जरूरत होती है, कौशल के माध्यम से आप शिक्षा देते हैं, और वहां आपकी शिक्षा विधि जो होती है एकदम कौशल जो होता है स्वतंत्र होता है। बहुत छोटी सी बात है, आप देखें जब आप हाई स्कूल की परीक्षा देते हैं, हाई स्कूल की परीक्षा देते समय जब आपसे कहा जाता है कि भाई कोई गद्यांश है कोई पद्यांश है, तो इस पद्यांश का आपको संदर्भ सहित अर्थ बताना है, पद्यांश है, और इस पद्यांश से जब प्रश्न आता है तो यहां पर कौशल देखिए कितना महत्वपूर्ण, कहा जाता है कि संदर्भ सहित है, संदर्भ सहित है अर्थ बताएं। लेकिन जब आप यही प्रश्न जब आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है जब आप पीजीटी बनते हैं, तो वहां देखिए कैसे प्रश्नों की प्रकृति आपका पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, कहा जाता है कि आप संदर्भ सहित व्याख्या करें। ये कौशल है, यहां आपको कौशल के माध्यम से पढ़ाना है, वहां आप जो है कौशल आपका एकदम स्वतंत्र है, आपको व्याख्यायित करना है। खैर ये दोनों की
स्थिति है। अब रही बात यह है कि हमें शिक्षक बनना है। बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमें शिक्षक बनना है। हमें यह चीज मालूम हो गया कि भाई हम शिक्षक हैं, बनना है। शिक्षक बनने के लिए हमारे पास बीएड हो, प्लस बीए हो या परास्नातक हो, हम शिक्षक बन सकते हैं। आखिर क्यों शिक्षक बने, यह भी तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक चीज मित्रों बड़ा अच्छा भी लगता है और बड़ा जिम्मेदारी भरा पद है। यहां कर्तव्य ही कर्तव्य है, केवल कर्तव्य है और बहुत नैतिक जिम्मेदारी है शिक्षक के पद पर। आज के समाज में इससे गरिमामयी पद कोई है नहीं। आप देखिए, राष्ट्र निर्माण के साथ साथ, राष्ट्र निर्माण के साथ साथ यहां पर जो है चरित्र निर्माण है, चरित्र निर्माण है कि बड़ी भूमिका है। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वित्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम आयाति यातिचा, अछीड़ो वित्तः छीड़ो वित्तस्तु हतो हता। आप देखिए, यह कार्य शिक्षक ही कर सकता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, करे कि धन आता है और चला जाता है, करे कि धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यह शिक्षक का रोल है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में यदि अवसर मिले तो शिक्षक बनना उसके जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। तो ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आज तक चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में या प्रदेश के किसी अन्य राज्य में, जितनी भी सेवाएं हैं, हर सेवाओं के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आयु सीमा का निर्धारण है। आयु सीमा का निर्धारण यह है कि भाई आप 21 वर्ष के हो गए, 21 वर्ष के हो गए तो आप जो है परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन उसकी एक सीमा भी बता दी गई है कि भाई 40 वर्ष के बाद आप की सेवा जो है इस परीक्षा में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। और वैसे इस कोरोना पीरियड के बाद तो जान लीजिए कि यह कुछ लोगों के लिए जो है यह समय जो है एक सुनहरा अवसर है, एक अवसर के रूप में उभर के आया है कि इस टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा संचालित होती है, यहां अभी आयु सीमा आपको एकदम स्वतंत्र है कि रिटायर होने से पहले, आप 62 साल में रिटायर होते हैं, आप अपने भाग्य को अजमा सकते हैं। तो आप यहां पर एकदम स्वतंत्र हैं, जिस दिन रिटायर होने से पहले तक आप शिक्षक बन सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच से ही 58 वर्ष की अवस्था में इसी 21 में नौकरी पाने वाला व्यक्ति है और पिता और पुत्र साथ साथ, तो कितनी खुशी की बात है। थोड़ा सा इस वीडियो को जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे मनीषी हैं, एक उत्सुकता है उनके दिमाग में, एक बात रहती है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, भाई हम 50 वर्ष में भी शिक्षक बन सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। रही बात मित्रों, अब हम अपने विषय वस्तु की बात करते हैं कि शिक्षा की जिम्मेदारी, संस्कृत शिक्षक पद की जिम्मेदारी और इस विषय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो टीजीटी और पीजीटी में दोनों पाठ्यक्रम थोड़ा सा भिन्नता लिए हुए हैं। और विषयों की तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो टीजीटी का सिलेबस है वही पीजीटी का सिलेबस है,
लेकिन कंडीशन संस्कृत विषय वस्तु के रूप में जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा बड़ी जटिलता है। जटिलता क्या है कि जो पाठ्यक्रम आपका निर्धारित किया गया है वह पाठ्यक्रम पीजीटी स्तर पर नहीं। आप देखें, पहले हम लोग टीजीटी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं तो यह संस्कृत टीजीटी का पाठ्यक्रम है। और एक बड़ी रुचिकर बातें बता दें कि हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी ग्रंथ चयनित हैं उन ग्रंथों की बड़ी महत्वपूर्ण विशिष्टता है कि कहीं न कहीं जो है वो एक समाज के लिए उसमें बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। बहुत सोच समझ करके संस्कृत विषय वस्तु की पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। जैसे आप देखें कि कादंबरी है, इस कादंबरी ग्रंथ को यदि आप देखें तो यह पहला हमारा ग्रंथ है कादंबरी। और इस कादंबरी में एक बहुत महत्वपूर्ण अंश जो है सुकनासो उपदेश है। कादंबरी जैसा आपको मालूम है कि यह बाण भट्ट की रचना है, और बाण भट्ट की रचना ऐसी रचना है कि जो कि संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसी में एक बहुत छोटा सा अंश है सुकनासो उपदेश है। राजा तो चंद्रापेड है, राजकुमार होने जा रहे हैं। राजा होने के बाद राजा के पास लक्ष्मी अपने आप चली आती है, तो सुकनास जी जो है राजा को उपदेश दे रहे हैं कि जब आप राजा हो जाएंगे तो थोड़ा सा आप राज लक्ष्मी से बचिएगा। उनको शिक्षा दे रहे हैं, वही थोड़ा सा अंश है कि लक्ष्मी का राजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे लक्ष्मी राजा के अंदर दुर्गुणों का दुर्विकार उत्पन्न कर देती हैं, कैसे उससे बचना चाहिए, कैसे प्रजा का कल्याण करना चाहिए, ये सारी शिक्षा इस ग्रंथ में दिया गया है। बहुत रोचक ग्रंथ है, इसको हम लोग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और अभी आपको हम बताएंगे इन ग्रंथों से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा ग्रंथ देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिवराज विजयम, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इतने सरल अंदाज में लिखा गया है। ये संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास है। बहुत ऐसे प्रतियोगी हैं जो हिंदी साहित्य भी पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य भी पढ़ते हैं, और कितनी मार्मिक बात है कि अंबिका दत्त व्यास दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इनकी एक रचना है। और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि दक्षिण भारत पर आधारित है, मराठा साम्राज्य है, शिवाजी का जीवन चरित्र है, इसमें मुगलों की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। बहुत सरल है, उसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। तीसरी की ग्रंथ आपके सिलेबस में रखा गया है मेघदूतम, बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कालिदास की रचना है, कालिदास का गीत काव्य है। जैसा कि आप ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़े हैं, इसमें दो भाग है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। दोनों पार्टों की कंडीशन यह है कि यहां पर पूर्व मेघ में जो है 57 श्लोक है और पूर्व मेघ में 54 श्लोक हैं। इन्हीं 54 श्लोकों को पढ़ना, और मित्रों इतनी रोचक है, कालिदास का ये गीत काव्य है, इसमें यक्ष और यक्षिणी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, उसकी विरह वेदना का वर्णन है, कैसे अपनी प्रिया से वियुक्त होकर के वो रामगिरी आश्रम पर निवास करता है। यही मार्मिक चित्रण जो है इस ग्रंथ में है, और इसको आप एकदम रुचिकर ढंग से पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी इस ग्रंथ में जटिलता नहीं है। इस ग्रंथ में केवल एक छंद का विधान किया गया है, मंदाक्रांता। जैसा कि आपको मालूम है कि मंदाक्रांता एक ऐसा छंद है जो ग्रीष्म वर्षा ऋतु में गाया जाता है, तो इस तरह से इसकी चर्चा हम लोग जब क्लास की शुरुआत होगी तो जरूर करेंगे। और हमें लगता है कि आप बहुत आसानी से इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। रही बात में तो चौथे ग्रंथ की बात होती है जो आपके सिलेबस में है, नीति सत्कम। और नीति सत्कम जैसा कि आपको मालूम है कि भर्तृहरि जी जो कि तीन ग्रंथों का निर्माण किए थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, और हमारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो पाठ्य सामग्री तैयार की गई है उसमें नीति शतक को रखा गया। क्यों रखा गया है
आखिर देखिए इसमें नीति परक बातें बताई गई हैं, इसमें नीति से संबंधित शिक्षा दी गई है। केवल आप शिक्षक नहीं बन रहे हैं, इसके विषय वस्तु को यदि आप देखें तो कैसे धन की क्या गति होती है, धान बोगा नाश है, राजा के कैसे गुण होने चाहिए, विद्या की क्या उपयोगिता होनी चाहिए, मूर्खों की क्या शिक्षा देनी चाहिए, जो 11 पद्धतियां हैं, 11 पद्धतियों में आपको सामाजिक शिक्षा बड़े मार्मिक ढंग से दी गई है। तो इसमें भी 111 श्लोक हैं, इन्हीं 111 श्लोकों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत सरल ढंग से आप इसको पढ़ सकते हैं। रही बात मित्रों अगली ग्रंथ देखिए, पांचवें ग्रंथ की बात जब आती है तो इस सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा हम लोग करते हैं, किरातार्जुनीयम की। महाभारत पर आधारित एक महाकाव्य है, भारत जी का बड़ा मार्मिक ग्रंथ है, और इसमें प्रथम सर्ग जो है, जो वन पर्व के नाम से जाना जाता है, उसी पर आधारित है, और इसमें मात्र 46 श्लोकों का अध्ययन करना है। ये 46 श्लोक ही जो है आपके सिलेबस में है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ज्यादातर श्लोकों में वंशस्थ छंद का विधान किया गया है, तो बहुत सरल ढंग से हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत आसानी से आप इसको अध्ययन करेंगे। अगले क्रम पर मित्रों हम एक चीज की चर्चा करते हैं कि आप यदि देखें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है उत्तर रामचरितम। पढ़ने में भी रुचिकर है, सुनने में भी रुचिकर है, और यह भवभूति का इतना महत्वपूर्ण नाटक है, उत्तर रामचरिते भवभूति विशिष्यते। ऐसे नाटक में उन्होंने इतने मार्मिक रामायण पर आधारित करुण रस प्रधान राम और सीता के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें जो है बताया है, और बहुत बड़ी बात तो मित्रों ये है, इतनी शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण दी गई है। कहते हैं भवभूत जी कि संतान सुख की गांठ है, रोना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें। कैसे, जैसे सरोवर में जब जल की अधिकता हो जाती है तो सरोवर से जल का निकालना एकमात्र उपाय है, ऐसे ऐसे स्वसूक्त गर्भित जो है संदेश इस ग्रंथ के माध्यम से समाज को शिक्षा दिए हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मात्र इसमें 46 श्लोक हैं, और इसी 46 श्लोकों को आपको अध्ययन करना है। 46 ने 48 श्लोक, 48 श्लोक उत्तर रामचरितम के मात्र आपको पढ़ने हैं। अगले क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आती है अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो संस्कृत मनीषियों के लिए एक ऐसा नाटक है कि जिसका नाम लिए और कालिदास की चर्चा किए बिना संस्कृत जगत की कोई भी चर्चा अधूरी रह जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जिसमें मात्र 22 श्लोक हैं, यही 22 श्लोक आपके सिलेबस में रखे गए हैं, और सबसे बड़ा रोचक है इसका प्रसंग है शकुंतला पतगृह जा रही है, शकुंतला की विदाई हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस नाटक में जब नाटक की चर्चा करेंगे तो इस पर विशद चर्चा होगी। एक भारतीय संस्कृत की तीन विशेषताएं जो सबसे महत्वपूर्ण है, त्याग तपस्या और तपोवन का चित्रण है इस नाटक की सबसे महती विशिष्टता है। और इसी क्रम में आप देखें अब सबसे महत्वपूर्ण जहां से आपको सिलेक्शन लेना है, यह एक ऐसा पार्ट है टीजीटी का कि हम बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं पूरे पेपर में 125 प्रश्नों की श्रृंखला में, इस 125 प्रश्नों की श्रृंखला में आपसे ग्रंथ से जो है 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और लगभग उतने प्रश्न आपसे व्याकरण से भी पूछे जाते हैं। तो व्याकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी ग्रंथ एकदम डिसाइड कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कि डॉक्टर बाबूराम प्रवेशिका ए संस्कृत व्याकरण की निर्धारित ग्रंथ है,
और इसी ग्रंथ से आपसे बड़े सारगर्भित ग्रंथ है से जो है आपको कौन कौन टॉपिक पढ़नी है, आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, आपको संधि पढ़ना है, आपको समास पढ़ना है, आपको कारक पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, कुछ शुद्ध और अशुद्ध है, पद हैं आपको ऐसे दे दिए जाते हैं, उससे प्रश्न आते हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये तो हमारा सिलेबस है, अब जानने वाली बात मित्रों ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है कि इतने ग्रंथों को तो आपने पढ़ लिया, अब ग्रंथों को पढ़ लिया, ग्रंथों को पढ़ने का तरीका क्या है, ग्रंथों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यही आकर के हमारी सफलता और असफलता में जो है अंतर आ जाता है। कभी भी एक प्रतियोगी को दाना और भूसा एक साथ, जैसे आप देखते हैं गांव में होता क्या है, कुछ लोग एक ही में इकट्ठा दान डालते हैं, लेकिन कंपटीशन एक कला है। कंपटीशन में होता क्या है, आप देखिए जो आपके काम की चीज हो उसको निकाल लीजिए, जो आपके काम की चीज ना हो उसको बाहर कर दीजिए। तो एक अच्छे प्रतियोगी को कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह जानकारी होनी चाहिए कि कोई ग्रंथ हमें कैसे पढ़ना है, उस ग्रंथों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा इन ग्रंथों पर, जिस ग्रंथों पर हम लोगों ने चर्चा किया है, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि जैसे हमारे ऐसे प्रतियोगी जिसके अंदर ये जिज्ञासा है कि हम भी शिक्षक बने, कोई ऐसा साधन मिल जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हम अच्छे शिक्षक के साथ जुड़ करके जो है हम भी शिक्षक बन सकते हैं, तो इसमें आपकी महती कृपा होगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब देखिए मित्रों, जितने ग्रंथों की हम लोगों ने चर्चा किया है, उस ग्रंथों में सबसे बड़ी बात होती क्या है कि पहली बात ग्रंथ से आधारित कैसे प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जिन ग्रंथों पर आपने चर्चा किया है, सारे ग्रंथों से पहला प्रश्न जैसे है कि आपसे कोई शब्द दे दिया गया है, जैसे उत्तरामचरितम है, उत्तरामचरितम से पूछ लिया गया कि भाई अपत्ययम क्या है, बहुत बढ़िया शब्दार्थ है, पूछ लिया जाएगा कि अपत्यम का तात्पर्य क्या है, आपको संतान, तो इस तरह से शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि देखिए प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है, कह रहे कि सूक्ति परक वाक्य, कोई भी श्लोक होगा उसकी कोई पंक्ति दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए ये अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है, उत्तरामचरितम की पंक्ति है, कि मेघदूतम की पंक्ति है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से देखिए शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं, सूक्ति परक वाक्य पूछे जा सकते हैं, सूक्ति परक वाक्य किस पात्र ने बोला है यह बात आपसे पूछी जा सकती है। तीसरी बात व्याकरणात्मक टिप्पणी, देखिए यही चीज है। अब आप क्या करते हैं कि आपके दिमाग में एक बात आती है कि भाई छह ग्रंथ हैं, सात ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों को हमने रट डाला और रट डाला, पता लगा कि सारे ग्रंथों की व्याकरणात्मक टिप्पणी हमने तैयार कर डाली। अरे भाई कम से कम आप पेपर उठा के देख तो लीजिए कि किस ग्रंथ से कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप जब भी यहां पर चर्चा करते हैं, जब व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात आती है, तो ज्यादातर जब भी आप इस पर ध्यान देंगे तो या तो नीति शतक की बात आती है, नीति शतक से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, या तो आपसे जो है शिवराज विजयम से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शिवराज से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं तो फिर जो है आपसे सुकनासो उपदेश दिया हुआ है। तीन ग्रंथ ऐसे हैं जहां से आपसे व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछी जा सकती है। अब रही बात चरित्र चित्रण की, बात नाटक है, नाटक में बहुत सारे पात्रों का रोल होता है, तो नाटक का नायक कैसा है, नायिका कैसी है, नायक में उसका
विदूषक कौन है, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, सारे महत्वपूर्ण पात्रों को भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बकिया जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रंथ हो, यहां से जान लीजिए कि कुछ नहीं, आधी तैयारी आपकी यहीं से हो जाती है। जैसे मान लीजिए ग्रंथकर्ता का परिचय, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आपने पढ़ा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का पहले सबसे पहले 5 प्रश्न आपको यहीं से आ जाने हैं कि जैसे हमने कवि परिचय की बात आपसे पूछ लिया, कालिदास की बात आ गई, अभिज्ञान शाकुंतलम का ग्रंथकर्ता कौन है भाई, कालिदास हैं, कालिदास की रचनाएं कैसी हैं, कालिदास की शैली कैसी है, कालिदास का किस रस का प्रयोग किए हैं, कालिदास की उपमाएं कैसी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि 6-7 प्रश्न हैं जो है एक जगह से आपके 5 प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे, 5 प्रश्न पूरे ग्रंथ से मिल जाएंगे। इसलिए हमारा पढ़ने का कैसा तरीका है यह माने रखता है। रही बात एक चीज मित्रों, अब हमारा चयन क्यों नहीं होता है, मैं पूरे ग्रंथ को पढ़ डालता हूं, बहुत अच्छी तैयारी है, फिर भी हमारा चयन नहीं होता है। जैसे आपको हम बताएं संस्कृत विषय वस्तु की बहुत सूक्ष्म बातें आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे संस्कृत विषय वस्तु की आप तैयारी कर रहे हैं और हम लोग भी पठन पाठन के क्षेत्र में कम से कम 10-15 साल से लगे हुए हैं, हर विषय वस्तु के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। जैसे आप देखिए 2010 संस्कृत विषय वस्तु की सबसे कम मेरिट 2010 में गई थी और वहां 102 प्रश्नों पर चयन हुआ था, और उसके बाद की स्थिति आप देखते हैं 2013 की बात आती है तो मेरिट भाग के जाती है 422 पर, 2016 की बात आती है मेरिट जाती है 444, 2021 की बात आती है तो मेरिट जाती है 471। भाई 500 का पूर्णांक है, 95% मेरिट जा रही है, तो आखिर ऐसा नहीं है कि आप 94% पा करके आपका चयन नहीं हो रहा तो आप अयोग्य हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कहीं न कहीं कुछ गुण चीजें ऐसी हैं इस विषय वस्तु में, इसका पढ़ने का जो कौशल है, कहां हमें ध्यान देना चाहिए, कहां हमें रिवीजन करना चाहिए, कहां हमें तथ्य परक जानकारी रखनी चाहिए, इन सारी बिंदुओं को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा मित्रों। और सदैव शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक का कौशल कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, टॉपिक कैसे हमारे समझ में आनी चाहिए, ये सारी बातें बहुत सरल ढंग से जो आप तक प्रेषित कर सकता है, आपकी बात को समझा सकता है, एक अच्छे शिक्षक से सदैव जुड़ना चाहिए। अंतिम बात एक चीज और बता दूं मित्रों, संस्कृत विषय वस्तु की सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ टॉपिक ऐसी हैं जैसे धातु रूप और शब्द रूप, कम से कम 15 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। और रही बात एक चीज जान लीजिए कि यह एक ऐसी टॉपिक है इस पर आपको बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, और हम लोग खैर क्लास की शुरुआत होगी तो हर विषय की अपनी अपनी प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार चर्चा पर चर्चा होगी। और रही बात इसी तरह से आप देखें कि थोड़ी सी चर्चा जो है हम प्रवक्ता पद पर भी कर देना चाहते हैं, शॉर्ट में करेंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज पहली क्लास है तो ये हमारा पीजीटी स्तर का सिलेबस है। यहां पर आपने देखा कि प्रवक्ता पद के लिए जो है जिस ग्रंथ का अध्ययन टीजीटी में हमने बड़े संक्षिप्त अंश में किया है, उसी ग्रंथ को यदि यहां पढ़ना है तो बड़े विस्तार से पढ़ना है। वहां हमने कादंबरी का एक भाग केवल सुकनासो उपदेश पढ़ा है तो यहां आपको कादंबरी कथा मुख बाण भट्ट जी की बहुत अतिप्रिय रचना है जिसमें 3 जन्मों की कथा है, प्रेम प्रसंग का वर्णन है, बड़ी मार्मिक रचना है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। नलचंपू प्रथम उच्छ्वास रखा गया है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, श्लिष्ट प्रधान रचना है, और यहां से भी सूक्ति परक वाक्य पूछे जाते हैं। शिशुपाल बधम
75 श्लोक हैं, बहुत ही मतलब, लेकिन एक अंतर है। यहां प्रवक्ता में आपको सामान्य परिचय है, ग्रंथ का सामान्य अध्ययन आपको करना है, लेकिन टीजीटी में आपको विशिष्ट अध्ययन करना है। मृच्छकटिकम संपूर्ण नाटक आपके सिलेबस में रखा गया है, प्रकरण ग्रंथ है। जैसा कि आपको मालूम है कि शूद्र द्वारा वर्णित है, बहुत ही अतिप्रिय नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं यहां दी गई हैं, यह भी आपके सिलेबस में रखा गया है। संस्कृत साहित्य का इतिहास बड़ा अंश है, आपके सिलेबस में है। रही बात मित्रों, देखिए एक चीज यहां पर है, बड़ी रुचिकर बातें हैं। छठे अंक पर दार्शनिक ग्रंथ है हमारे सिलेबस में जो रखे गए हैं। यहां पर तीन ग्रंथ, चार ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, तर्कभाषा है, सांकारिका है, वेदांत सार है। ये ग्रंथ आपके दर्शन के भाग से रखे गए हैं। यहां दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल समझने का तरीका आपका सही होना चाहिए। यदि आप सही ढंग से यदि आप अध्ययन करते हैं तो प्रवक्ता बनना तो इतना आसान है, आप टीजीटी नहीं बन सकते हैं लेकिन प्रवक्ता अवश्य बन सकते हैं। अगले प्रसंग पर जब हम लोग आते हैं तो सिलेबस की चर्चा करते हैं, और सिलेबस में शास्त्रीय ग्रंथों की बात आती है, तो शास्त्रीय ग्रंथों में बड़ा रोचक ग्रंथ है काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। ये दोनों ग्रंथ हैं, काव्य प्रकाशकार की आलोचना साहित्य दर्पणकार ने की है, कुछ अंश इसके हैं कुछ अंश उसके हैं, दोनों मिला करके इस ग्रंथ को हमें अध्ययन करना पड़ता है। इस विषय वस्तु पर आपको सबसे अच्छी पकड़ रखनी पड़ती है, सबसे अच्छी पकड़ है, सबसे अच्छी पकड़ जो है यहीं पर आपकी होनी चाहिए। और यदि आप इस विषय वस्तु पर, इस भाग पर आपका पकड़ मजबूत है तो आप निश्चित है कि आप प्रवक्ता पद के भागीदार अवश्य होंगे। रही बात भाषा विज्ञान की है, भाषा विज्ञान को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, बहुत क्लिष्ट नहीं है। आप जानते हैं कि भाषा का उद्भव एवं विकास ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम, यहीं से आपके सारे सिद्धांत मिल जाते हैं और यहां से आपका काम चल जाता है। रही बात संस्कृत व्याकरण की, तो एक चीज आप जान लीजिए कि संस्कृत व्याकरण का अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों, लेकिन प्रवक्ता पद के लिए संस्कृत व्याकरण में दो ही ऐसे स्थान है जहां पर दिक्कत होती है, आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रकृति प्रत्यय की बात होती है, थोड़ा सा इस पोर्शन पर क्लिष्टता है। आप कारक तैयार कर लेते हैं, आप समास तैयार कर लेते हैं, आप संधि तैयार कर लेते हैं, हर पार्ट को आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जहां सिलेक्शन आपका रुकता है और जहां सबसे आपको ध्यान देना है वहां पर प्रकृति और प्रत्यय और धातु रूप और शब्द रूप, इसका बड़ा महती योगदान होता है। यह हमारा सिलेबस है। अब रही बात यह है कि इतनी बातें तो हमने सीख लिया, रही बात यह है कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हम संस्कृत विषय वस्तु का चयन क्यों करें, ये सारी बातें आपके सामने आती हैं। तो मित्रों एक चीज आप जान लीजिए कि भाषा के रूप में संस्कृत विषय वस्तु एक ऐसा विषय वस्तु है कि जिसको हम बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। आप समझ लीजिए जैसे टीजीटी का सिलेबस है, हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बार आपका विषय वस्तु तैयार हो गया तो मान लीजिए कि आपके पास एक महीने का समय है, तो एक महीने में आप उस विषय वस्तु को 10 रिवीजन कर लेते हैं, 10 आपका रिवीजन हो सकता है। तो इसीलिए जो इतनी मेरिट भागती है, मेरिट भागने का एक कारण है कि हम इस विषय वस्तु को बहुत आसानी से बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं। रही बात हमारा पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, हमारी रणनीति सही होना चाहिए, हमारा कौशल सही होना चाहिए, हमें परीक्षा में कौन प्रश्न नहीं आएगा कौन प्रश्न आएगा, इन सारी चीजों को सही दिशा में पढ़ करके जो है
हम अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात यह है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप लोग टारगेट विद आलोक से जुड़िए और निश्चित है कि आप पहले प्रयास में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद।